निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सीपैक की बदौलत गवादर और बलोचिस्तान तरक्की की सफर में सबसे आगे निकल आए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीनी सफीर ने गवादर में समुद्री पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने के प्लान का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बलोचिस्तान के साथ निस्बत के जोड़ने में दिली मुसर्रत हुई है। अक्टूबर में BRI की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया। चीन में हमारे दौरानिये को बहुत यादगार बनाया गया। उन्होंने कहा कि दो अकवाम में जब कुर्बत पैदा होती है तो ज़ुबान का इस्तेमाल भी होता है। पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात के लिए हम मुख्तलिफ असलाहत इस्तेमाल करते हैं। असल रुख को बयान करने का मकसद होता है कि हम दोनों ममालिक कितने करीब हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरत ने जब ज़मीन का नक्शा खींचा तो फैसला किया कि पाकिस्तान चीन के साथ साथ रहेंगे। वो असली फैसला अबदी अहमियत अख्तियार कर गया है। चाइना की मॉडर्नाइजेशन का सफ़र इंसानी तारीख में अहम सफ़र है। सदर शी जिनपिंग की मुल्क के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। उनका कहना था कि जब चाइना तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान सबसे पहले आता है। गुज़श्ता कई सालों से पीने का पानी एक गंभीर मसला था। हम चीनी दोस्तों के मशहूर हैं। चीनी दोस्तों ने यहाँ 150 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि सीपैक की बरकत से ही तमाम आसानियाँ पैदा हुई। गवादर और बलोचिस्तान की तरक्की में हो सकता है रफ्तार तेज ना हो। गवादर और बलोचिस्तान की तरक्की आगे की जानिब जा रही है, उसने पीछे नहीं आना।